थर्मल वेलोसिटी का कुछ आइडिया है तुम लोगों को? अगर ये हमारे पास एक मेटल का वायर तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेस्ट पे हैं, मूव कर रहे हैं। मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं या मूव करते हैं? सब मूव करते हैं। सब मूव करते हैं। बढ़िया, तो मूव करते हैं, इसका इनके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? टेम्परेचर से, राइट? टेम्परेचर। ठीक है, तो जो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 3/2 kVT। तो क्या यहां से हमारे पास थर्मल वेलोसिटी आ जाएगी? राइट और रॉन्ग? क्या इससे हम ये सीख सकते हैं कि थर्मल वेलोसिटी अंडर रूट टेम्परेचर पर डिपेंड करती है? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो थर्मल वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी, ठीक बात है। अगर मैं पूछता हूँ एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो जीरो। बहुत बढ़िया, रीजन? अगर डायग्राम पे ध्यान से देखो जो मैंने बनाया था, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स जहां चलता है वापस वहीं आ जाता है? यस सर। इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। बहुत बढ़िया, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है। उसका रीजन कह सकते हो ड्यू टू रैंडम मोशन। या कह सकते हो ड्यू टू कोलिजन, ऐसा भी कह सकते हो ड्यू टू कोलिजन, दोनों बातें कह सकते हो। जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो क्या वो कोलाइड करता है आयन से? तो अभी जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो दो कोलिजन के बीच का पाथ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो जब ये कोलाइड करता है तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज कोलिजन टाइम। या इसको ऐसा ही बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज कोलिजन टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया था तो क्या थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई थी? अगर थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो कोलिजन जल्दी जल्दी होंगे या लेट से होंगे? जल्दी, बिल्कुल सही, मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन। अगर कोलिजन जल्दी जल्दी हो रहा है तो टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? कम हो रहा है। टाइम कम हो रहा है, ठीक बात है। तो ये बात मैं बता इसलिए रहा था क्योंकि टेम्परेचर से क्या रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट पड़ता है? यस सर। ठीक है, तो मैंने लिखा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस।
और रेजिस्टिविटी भी कह सकते हो। क्या हमें कोई ऐसा फॉर्मूला पता है रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ? एंड आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अगर हम देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल्स पे क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए? अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टाउ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। और एन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऐसा मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर याद आ रहा हो तो। स्पेशली मैंने ये कॉपर के लिए बोला, राइट? अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। रीजन, टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ क्या हो गया है? कम। बट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड्स ब्रेक होने की वजह से एन पे क्या इफेक्ट पड़ा? इंक्रीज। ठीक बात है। एन का मतलब यहां पर नंबर डेंसिटी। अगर नंबर डेंसिटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर मैं एलॉयस की बात करूं तो एलॉयस का ग्राफ कैसा होता है? ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ध्यान से देखना। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए सबको पता है। अब ध्यान देना मैंने क्या लिखा है। डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा रो बाई रो प्लस डेल्टा एल बाई एल माइनस डेल्टा ए बाई ए। क्या ऐसा ले सकता हूं? यस सर। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या लिखना चाहता हूं। अब मैंने सबको डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया है। ठीक। अब ये बताओ कि हमने 11th क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा था कि अगर एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ डेल्टा एल बढ़ गई, तो अल्फा का फॉर्मूला होता था डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। कुछ याद आ रहा है ऐसा? इस अल्फा को हम बोलते थे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो क्या मैं इसको अल्फा बोल सकता हूं? और अल्फा एल लिख दिया, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लेंथ वाला। वैसे किसी को याद है बीटा भी कुछ होता था? डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा। बढ़िया, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। और ये बीटा एरिया वाला होता था, राइट? ठीक है।
अब क्या तुम लोगों को ऐसा फॉर्मूला पता है, रोटी इक्वल टू रो नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी? यस सर। ठीक है, तो क्या इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा कह सकता हूँ, डेल्टा रो अपॉन रो डेल्टा टी, क्या ऐसा कह सकते हैं? अगर नहीं समझ में आया तो मैं ओपन करके दिखाऊं कैसे बनाइए, रुको दिखाता हूँ। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये बनेगा रोटी इक्वल टू रो नॉट माइनस रो नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो लेफ्ट में जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या? एक मिनट सर, यहाँ प्लस होना चाहिए ना, तो क्या ये ऐसा बन गया डेल्टा रो अपॉन रो नॉट डेल्टा टी? सही है, तो क्या इसको भी अल्फा कह सकता हूं, अल्फा ऑफ रेजिस्टिविटी? और डेल्टा आर बाई आर डेल्टा टी ये क्या दिख रहा है मुझे? अल्फा आर। अल्फा आर, बहुत बढ़िया। तो क्या यहाँ पर तीन अल्फा डिफाइन करें मैंने? एक अल्फा रेजिस्टेंस है, एक अल्फा रेजिस्टिविटी है, एक अल्फा लेंथ है और एक बीटा हमारा। क्या हम बीटा को टू अल्फा कह सकते हैं? क्या बीटा को टू अल्फा कह सकते हैं? कोई ऐसा फॉर्मूला याद आ रहा हो, इलेवेंथ में पढ़ा था, बीटा इज टू अल्फा, गामा इज थ्री अल्फा, और अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा इज वन इज टू टू इज टू थ्री? यस सर। थर्मल वाले चैप्टर में था। तो क्या मैंने ये बताया अल्फा रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? अल्फा रेजिस्टिविटी माइनस अल्फा लेंथ, यानी इस बीटा को मैंने क्या पुट कर दिया है, टू अल्फा। टू अल्फा, ठीक बात है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, ध्यान से देखना, सीरीज सुनते ही एक बेसिक फॉर्मूला मेरे दिमाग में आता है, आर सीरीज किसके इक्वल होता है? आर वन प्लस आर टू, ठीक बात है ना? क्या आर वन को हम कह सकते हैं रो एल बाई ए, आर टू को रो एल बाई ए? मैंने जो दो वायर लिए हैं उनका एरिया डिफरेंट लिया है सेम लिया है? सेम सेम। अब इस आर इक्विवेलेंट को मैं क्या ले सकता हूं, बताओ भाई क्या लिखना चाहिए मुझे? रो एल बाई ए या रो टू एल बाई ए? अब जब इक्विवेलेंट देखोगे तो लेंथ एल लोगे या टू एल लोगे? टू एल लेंगे। इसका मतलब मैं लेंथ को भी इक्वल लेना चाहता हूँ, एल वन और एल टू इक्वल टू एल।
ठीक बात है। कुछ फायदा होगा इससे? क्या एल बाई ए कैंसिल हो गया? तो रो इक्विवेलेंट सीरीज में कितना जाएगा? रो वन प्लस रो टू बाई टू। क्या रो को वन बाई सिग्मा कह सकते हैं या सिग्मा को वन बाई टू? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। टू बाई सिग्मा इक्वल टू वन बाई सिग्मा वन प्लस वन बाई सिग्मा टू। तो यहां से सिग्मा कितना आ जाएगा? बताओ भाई क्या लिखना चाहिए? सही है। टू सिग्मा वन सिग्मा टू अपॉन सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू, ऐसे हम लेके देखो ये आ जाएगा। ठीक है, और देखो इस पर अच्छे क्वेश्चन बनाता हूँ, ध्यान से मैं और अच्छा क्वेश्चन बनाता हूँ। दो रेजिस्टेंस है सीरीज में लगा दिया इनको, ठीक। आर सीरीज का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? आर वन प्लस आर टू, ठीक है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पता? मैं आर टी इक्वल टू आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो अगर हमको हमने इनको सीरीज में लगाया है और अब टेम्परेचर राइज कर दिया है तो आर वन को मुझे क्या लिखना चाहिए? अगर इनिशियल रेजिस्टेंस दोनों को मैं इक्वल ले लेता हूं, आर नॉट मान लेता हूं, फर्स्ट वाले का टर्म जो अल्फा है उसको अल्फा वन कह दिया है, सेकंड वाले को अल्फा टू। अल्फा हमारा यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो क्या मैं आर वन को ले सकता हूँ? आर नॉट वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी। वैसे सेकंड वाले को हम क्या लिखेंगे? आर नॉट वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। और आर एस को क्या लिखना चाहिए मुझे? बताओ भाई सब लोग क्या लिखना चाहिए? जो भी इनिशियल रेजिस्टेंस हो इनटू वन प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो क्या इनिशियल रेजिस्टेंस टू आर नॉट रहा होगा? ध्यान से, अच्छे क्वेश्चन है ये, स्टेप सोचने वाला है। और अभी तो ये मैंने इजी क्वेश्चन बनाया है, इक्वल रेजिस्टेंस है, अभी अनइक्वल भी बनाएंगे। क्या ये आर नॉट कैंसिल हो गया? ठीक है, राइट साइड में मुझे क्या दिख रहा है? वन प्लस वन ऐड होकर टू हो गया क्या?
डेल्टा टी कॉमन है, क्या टू से टू कैंसिल हो गया, डेल्टा टी भी गया, तो हमने देखा अल्फा सीरीज किसके इक्वल आ गया, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू। ठीक है, अगर इस स्टेप में कहीं डाउट है तो मुझसे पूछ लो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं भी एक क्वेश्चन दूंगा इसके जैसा करने को, जो मैंने फिगर दिखाया, फिगर वन में हमने दो रेजिस्टेंस लगाए हैं जिनका इक्वल रेजिस्टेंस था आर नॉट एंड आर नॉट, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था इनिशियली, टू आर नॉट, बताओ भाई सही है। उसके बाद हमने टेम्परेचर राइज कर दिया, तो टेम्परेचर रेज करने की वजह से क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, रेजिस्टेंस बढ़ गई, एक आर वन हो गई और एक आर टू। तो आर वन को हम लोगों ने क्या लिखा, आर नॉट वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो अल्फा दोनों का सेम लिया है या डिफरेंट लिया है, दोनों वायर सेम मटेरियल के या डिफरेंट है, दोनों वायर डिफरेंट मटेरियल के, लेंथ और एरिया सेम है इनका, अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है, बस इस बार मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया है, इनका रेजिस्टेंस इनिशियली सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट, इस बार मैंने क्या कर दिया है, इनिशियल रेजिस्टेंस डिफरेंट कर दिया है, एक रेजिस्टेंस आर नॉट वन है, दूसरे का रेजिस्टेंस आर नॉट टू है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या इनका रेजिस्टेंस बदल जाएगा, यस सर, तो नए रेजिस्टेंस को नाम हमने दे दिया आर फाइनल वन एंड आर फाइनल टू, ऐसा कुछ। तो मैं चाहता हूं तुम लोग क्या निकालो, अल्फा सीरीज, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट्स का टाइम है, अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो मैं इसमें तुम्हें 2 to 3 मिनट्स दे रहा हूँ, ट्राई करो तो कितना कर पाते हो,
सर आर नॉट अल्फा वन प्लस आर नॉट टू अल्फा टू अपॉन में आर नॉट वन प्लस आर नॉट टू। किसे सॉल्व हुआ सर? आर नॉट अल्फा वन प्लस आर नॉट टू अल्फा टू डिवाइड बाय आर नॉट वन प्लस आर नॉट टू। ठीक है, सही लग रहा है, आ सकता है ऐसा। वेरी गुड। और किसी का? यस सर। सर आर नॉट वन अल्फा वन प्लस आर नॉट टू अल्फा टू अपॉन आर नॉट वन प्लस आर नॉट टू। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट है। हमने क्या लिखा? आर सीरीज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, राइट? ठीक है। अब आर एफ वन फाइनली को क्या लिखेंगे? जो भी इनिशियल था वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी, वैसे आर एफ टू को क्या लिखा तुम लोगों ने? आर नॉट टू वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी। और इस आर सीरीज को क्या लिखा बताओ? आर नॉट वन प्लस आर नॉट टू इंटू वन प्लस अल्फा इज डेल्टा टी। बिल्कुल सही, ये थोड़ा स्टेप में ध्यान दे रहा था। आर नॉट वन प्लस आर नॉट टू ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा सीरीज डेल्टा टी। अब ब्रैकेट ओपन कर दे, बन जाएगा आर नॉट वन प्लस आर नॉट टू प्लस आर नॉट वन प्लस आर नॉट टू अल्फा एस डेल्टा टी इक्वल टू। राइट साइड में क्या आ गया? आर नॉट वन प्लस आर नॉट वन अल्फा वन डेल्टा टी। प्लस आर नॉट टू प्लस आर नॉट टू अल्फा टू डेल्टा टी। कुछ कैंसल आउट हुआ? मुझे लगता है आर नॉट वन एंड आर नॉट टू डेल्टा कैंसल आउट हो गया। सही बात है? यस सर। और डेल्टा टी भी गया क्या? तो अल्फा एस कितना आ गया? अल्फा आ गया आर नॉट वन अल्फा वन प्लस आर नॉट टू अल्फा टू अपॉन आर नॉट वन प्लस आर नॉट। ठीक है, मेरे हिसाब से काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। तो हमने पहले कैसे लगाए थे? सीरीज में लगाए थे, राइट? अब मैं कैसे लगाऊंगा? पैरेलल में। पैरेलल। तो वन बाई आर पी किसके इक्वल होगा? वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। तो पहले इजी वाला केस ले लें। इजी वाले केस में इनिशियली रेजिस्टेंस सेम लोगे या डिफरेंट लोगे?
बताओ भी। अगर इनिशियलाइजेशन सेम लोग थोड़ा इजी पड़ेगा, तो आर वन को क्या कह सकता हूं मैं, आर नॉट वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टू, सही। आर टू को हम क्या कह सकते हैं, आर नॉट वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टू। इस आरपी को मैं क्या लिखूं, क्या लगता है क्या लिखना चाहिए? वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू की मल्टीप्लाई। क्या इनिशियल रेजिस्टेंस आर नॉट बाय टू था? देखो क्या इनिशियली आर नॉट बाय टू था आर इक्विवेलेंट? यस सर। इनिशियली तुमने आर नॉट बाय टू डाल दिया, तो क्या कोई फायदा हुआ? अच्छा ये ध्यान देना, अगर आर पी इक्वल टू तुम ये लगाना चाहते हो आर वन आर टू अपन आर वन प्लस आर टू, ये गुड आइडिया है या फंस जाएंगे? फंस जाएंगे सर, फंस जाएंगे, करके देखना एक बार घर पे। इसमें सॉल्व तो हो जाएगा बट ज्यादा प्रॉब्लम हो। अब बताओ तुम लोग दिमाग में क्या आ रहा है, मैं क्या करने वाला हूँ? अभी मेन स्टेप आ गया है, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी और माइनस वन, न्यूमरेटर में ले गया, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ये बात समझ में आ रही? वन को ऊपर ले जाओगे तो माइनस वन हो जाएगा। अब मैं क्या लगाना चाहता हूं, बाइनोमियल, बाइनोमियल समझते हो? किसी को याद है बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? नो सर। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम कहती है अगर वन प्लस एक्स टू पावर एन है और एक्स हमारा बहुत छोटा है तो इसको ऑलमोस्ट वन प्लस एन एक्स कह सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में पावर उड़ के आगे आ जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्या? Yes, sir. समझने वाला क्वेश्चन है भाई, जितने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो टॉपिक तुम्हारा उतना स्ट्रांग होगा। ये बात देखी मैंने क्या करा, बाइनोमियल से पावर आ गया भाई, तो लेफ्ट में मुझे दिख रहा है टू माइनस टू अल्फा पी डेल्टा टी इक्वल टू क्या, वन प्लस वन टू हो जाएगा, टू माइनस अल्फा वन, माइनस कॉमन ले लेते हैं और डेल्टा टी भी कॉमन ले लेते हैं, तो पहले ये बताओ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? डेल्टा टी टू गया, माइनस गया, डेल्टा टी गया, तो अल्फा भी कितना आ गया, अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू। तो अगर तुमने नोटिस करा हो सीरीज और पैरेलल का सेम फॉर्मूला बन गया है क्या इक्वल रेजिस्टेंस पे? यस सर। नोटिस करा? यस सर। मुझे तो ये एज अ फॉर्मूला याद रहता है, पर टॉपिक समझ में आया ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैंने हेडिंग क्या डाली थी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो जो ये पेज तो सीबीएसई लेवल की बात है ना, उसके बाद में मैंने इस पे इफेक्ट दिखाया
अल्फा आर, अल्फा रो और अल्फा एल में क्या रिलेशन है, उसके अंदर हमने देखा कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर देखा अल्फा सीरीज होता है अल्फा वन प्लस अल्फा टू बाई टू, अगर अनइक्वल है तब मैंने बताया ये फॉर्मूला है। वैसे एक बार तुम लोग घर पर ट्राई करना अल्फा पैरेलल भी ट्राई करके देखना, किसी को आइडिया क्या आएगा, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं उसको, तुम लोग घर पर ट्राई करके देखना जरूर। इस बार सेम है या एक्सचेंज कर दिया है, अल्फा पैरेलल नोटिस करा तुम लोग, एक्सचेंज हो गया, अल्फा सीरीज था आर वन अल्फा वन प्लस आर टू अल्फा टू अपन आर वन प्लस आर टू, और अल्फा पैरेलल क्या आएगा आर टू अल्फा वन प्लस आर वन अल्फा टू अपन आर वन प्लस आर टू, तो इसको तुम लोग ट्राई करके देखना पैरेलल में।